ये मेरी सिस्टर है, इधर दिखाओ, और ये बना रही है एकदम अलग तरह से आलू दम। और आप लोगों को आलू दम की रेसिपी आधे पर से मिल रही है, लेकिन देख लीजिए तरीका। छौंक तेल डाली है, तेल में क्या क्या डाली चलो बताओ फटाफट से। पहले अदरक, मिर्चा, लहसुन। नहीं, तेल जब गर्म हो गया तो उसमें तड़के में क्या क्या डाली हो? अदरक, मिर्चा, लहसुन, जीरा। जीरा, जीरा, और ये आलू और मटर एक साथ डाल दिए। आप तरीका देखिए फ्रेंड, क्या तरीका है ये बनाने का। अभी आपको फुल वीडियो दिखाऊंगी। एक टमाटर भी डाली है ना? हाँ, टमाटर डाली है। अभी क्या क्या डालेंगी? वो नमक डाल दी हो? हाँ, नमक डाले हैं, नमक भी डाल दिए हैं, हल्दी डाली है, हल्दी डाली है, आलू दम मसाला भी डालूंगी। अभी आलू दम मसाला डालेंगी फ्रेंड, बने रहिएगा वीडियो में। बहुत इंटरेस्टिंग, आप लोगों ने ना आज तक ऐसी रेसिपी तो नहीं खाई होगी। मैं रेसिपी बता दी हूँ, मैं थोड़ा लेट हो गई। जब मैंने तरीका देखा इनका बनाने का तो मुझे लगा कि नहीं, ज़रूर से सूट करना चाहिए। ये आलू दम मसाला है ना? हाँ। ये अलग से मसाला आता है क्या आलू दम का? तो ये देखिए, इन्होंने ये आलू दम का मसाला डाला है। इस तरह का आलू दम का मसाला आता है फ्रेंड, थोड़ा सा गरम मसाला, और थोड़ा सा ये गरम मसाला डाल रही है। एकदम झन्नाटेदार का बनाने वाली हैं ये आलू दम। आप देखिए कितना कितना क्यूट लग रहा है ना इस तरह से। आप लोग बताइएगा कौन कौन है जो, मैंने तो आज तक इस तरह से रेसिपी नहीं बनाई है। आलू दम तो कई बार बनाए हैं लेकिन इस तरह से नहीं बनाए हैं। तो देखिए आप लोग भी काटेंगे इसी में, अब इसी में ये भूनते जाएंगे और काटते जाएंगे इस तरह से। फ्रेंड आप लोग जरूर से कमेंट करिएगा कि कौन कौन, बिल्कुल वीडियो एकदम लाइव है, बने रहिए एकदम। बताइएगा कि कौन कौन है जो कि इस तरह से बनाता है आलू दम। आप लुक देखिए, आप रेसिपी का लुक देखिए, क्या क्यूट। हो सकता है वीडियो लेट जाए लेकिन बट ये वीडियो जाएगा ज़रूर। देखिए लुक, यहाँ आकर के ना मुझे भी हर एक चीज़ अलग अलग देखने को मिल रहा है, मज़ा आ गया। नेक्स्ट टाइम फिर जल्दी आप लोग फटाफट से कमेंट करिएगा कि इनका घर कौन देखना चाहता है। बिल्कुल न्यू घर है और हम गृह प्रवेश में आए हैं और किचन का लुक आपको दिखा दे रहे हैं। अभी थोड़ा प्रोग्राम हुआ था ना, रामायण, अखंड रामायण, तो चीज़ें सारी फैली हुई है। आप लोग फटाफट से कमेंट करेंगे तो आप लोगों को पूरा घर का टूर कराएंगे, पूरा होम टूर। एकदम एक नंबर का घर बना हुआ है इनका। अभी चीज़ें फैली हुई हैं, थोड़ी सी अस्त व्यस्त हैं क्योंकि कल ही रामायण का पाठ हुआ है। उधर कुकर में भी कुछ बन रहा है, कुकर में चटनी बन रहा है, कुकर में टमाटर की चटनी बन रही है। धनिया काटो जोती, दो दो रेसिपी एक साथ सूट हो रही है फ्रेंड। अब देखिए ये बिल्कुल आ गया ना आलू दम के एकदम उसमें, कि हाँ लग रहा है कि आलू दम बन रहा है। वाव, एकदम इतना अच्छा महक रहा है ना फ्रेंड, एकदम हलवाई के स्टाइल में ये बना रही है आलू दम। और ये भी ना किसी हलवाई से कम नहीं है। 50-50 100-100 लोगों का खाना अकेले बना लेती है। कोई बात नहीं, ये खाना बहुत अच्छा बनाती है मेरी सिस्टर, खाना बहुत अच्छा बनाती हैं ये। 50-100 लोगों का खाना ये अकेले बना लेती हैं। जब कभी ये बनाएंगी ना इतने लोगों का खाना तो मैं ज़रूर आप लोगों को शूट करके दिखाऊंगी। आप मतलब आप गेस भी कर सकते हैं कि वाकई में इनका स्टाइल अलग है खाना बनाने का। इनको एक रेसिपी चैनल ज़रूर बनाना चाहिए, है ना? बिल्कुल बिल्कुल। इनका भी एक छोटा सा ब्लॉग चैनल है। लेकिन कभी जाता नहीं है। जाता नहीं है लेकिन ये शॉर्ट्स 5-6 शॉर्ट्स डाल चुकी है। तो धनिया काट, थोड़ा सा मैं पानी डालूंगी इसमें, थोड़ा सा पानी जाएगा जिससे कि ये जो मसाले और नमक है ना वो अच्छी तरह से आलू में मिक्स हो जाए। धनिया काटो, अभी थोड़ा धनिया की पत्ती भी जाएगी। फ्रेंड जरूर फटाफट से कमेंट करिएगा आप लोगों की कौन कौन इस तरह से आलू दम बनाता है। बिल्कुल पूरे आलू को उन्होंने काटा ही नहीं, सीधे डाल दिया। न काटने का झंझट कुछ भी नहीं, बस 5 मिनट। हाँ, 5 मिनट ढक करके पकाएंगे जिससे कि नमक मसाला मिक्स हो जाए। धनिया से गार्निश करेंगी और फटाफट से सबको सर्व कर देंगी। और इसके साथ हम लोग एकदम झन्नाटेदार चाय बनाएंगे, चाय के साथ एंजॉय करेंगे आलू दम। देखिए बस आलू दम एकदम बन करके रेडी है। अब इसमें धनिया की पत्ती जाएगी
और हमारा ये आलू दम बन करके रेडी हो गया। तो फ्रेंड आप इसे ऐसे भी खा सकते हैं, और आप इसे अगर पूड़ी वगैरह से खाएंगे ना तो एकदम झन्नाटेदार लगेगा, एकदम मज़ा आ जाता है पूड़ी से खाने में। वाओ लुक देखिए, लुक लुक क्या लुक है, एकदम मज़ा आ गया। आइए सब लोग खाने, आइए सब लोग खाने आइए, फटाफट आप लोगों को इन्वाइट कर रही है। प्लेटिंग करूँगा। वाओ आप देख सकते हैं ना गाइस, कितना खूबसूरत लग रहा है आलू दम, ये खाने में तो एकदम मजा आ जाएगा ना। हो गया एक माउथ वाटरिंग रेसिपी है, एकदम माउथ वाटरिंग। सो फ्रेंड अगर आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आएगी ना ये आलू दम बनाने की रेसिपी का, तो जरूर से आप लोग लाइक कमेंट करिएगा, एकदम मज़ेदार एकदम है ये, और ट्राई जरूर करिएगा। इस तरह से आप देख रहे हैं कैसे खड़े खड़े आलू एकदम मिक्स हो गए हैं एकदम। ठीक है फ्रेंड, मिलते हैं अभी, खाली हो रहा है पूरी फैमिली के लिए, पूरी फैमिली के लिए खाली हो रहा है। ये लोहे की कढ़ाई में बनाया है ना, तो ये थोड़ा सा मतलब लोहे की कढ़ाई में काला हो जाता है, इसलिए इसे तुरंत भगोने में शिफ्ट करना होता है।